हाँ हेलो सराउंडिंग दोस्तों, तो जैसे कि हम सऊदी अरब ये अल खार्ज में आए हुए हैं, तो हम आप सबको दिखाना चाहते हैं ये अल बैक हो चुका है। ओके, अल बैक का भी सही है, उसमें कोई दिक्कत दाढ़ी पेश नहीं आता, बस काम ज़्यादा रहता है। ये मार्केट बहुत ज़्यादा चलते हैं और ये मार्केट हो गया जो ना सेंटर पॉइंट। ओके देख रहे हो, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, बहुत बड़ा मार्केट है अल खार्ज का। तो जैसे कि वहाँ पे दो भाई है, तो मैं जाता हूँ फिर कुछ रास्ता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सब खैरियत भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो भाईजान आप? गोरखपुर से। माशाल्लाह गोरखपुर से हो, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको? दो साल। चलिए अच्छी बात है। तो क्या काम करते हैं यहाँ पे? सेवल का। और ये कौन सा जगह कुछ बता सकते हैं आप? अलखरज हैं। तो जैसे कि ये अलखरज हो चुका है, भाईजान जो है दो साल से यानी काम कर रहे हैं, नाम क्या बताया कुछ बता सकते? इम्तियाज भाई जो है यहाँ पे दो साल से काम कर रहे हैं। तो छुट्टी उट्टी जाने का प्लान है कि नहीं? जाएंगे। तो मुसासा है कि कंपनी है कुछ बता सकते हैं? माशाल्लाह कंपनी कैसा है, सही है कि नहीं? सही है, अच्छा है। सही है, क्या पगार उगार? फर्स्ट टाइम आए हो कि सेकंड टाइम आए हो आप? फर्स्ट टाइम आए हो। और कितना पगार मिल रहा है आपको? आ जाता है 2100-2200 माशाल्लाह। नहीं नहीं सैलरी कितना है? ओवर टाइम सब मिला के 2100-2200 यानी सैलरी 1350। ड्यूटी का टाइम 8 घंटा। तो जैसे कि भाईजान आप जो है वहाँ से जो आए थे, तो क्या लाइसेंस था वहाँ का इंडिया का? नहीं नहीं, वो लाइसेंस नहीं चलता है कंपनी का, अंदर ही चलाना रहता है ना। हाँ, और नहीं वहाँ पे इंडिया में जैसे था वहाँ तो नहीं, इधर ही आके सीखे ना, यहाँ पे आकर सीखे। अल्लाह माशाल्लाह, फिर लक अच्छा है आपका। यहाँ पे क्या काम यानी क्या काम के लिए आए थे आप? वहाँ से तो आया था बिल्डर में, वेल्डर में आए थे, मगर वो नहीं काम मिला। वो काम नहीं मिला तो फिर आपको जो ना यानी बोला कि सावल का काम सीख ले, फिर आपको यानी सावल का काम मिल गया। चलो अच्छी बात है ना, ये अच्छी नसीब की बात है भाईजान। और कंपनी अच्छा पगार वगैरह? कोरोना के टाइम में कुछ दिक्कत आ रही? कुछ मसला नहीं, कोई दिक्कत आ रही नहीं हुआ। कंपनी का नाम कुछ बता सकते हैं? सऊदी रेडमिक्स। हाँ यार, रेडमिक्स तो बहुत अच्छा है, मैंने भी कितना बार सुना। तो जैसे कि भाई जो है ना यानी क्या नाम बताए थे? इम्तियाज भाई जो है ना यानी रेडमिक्स में काम करते हैं, और कोई भी भाई आना चाहते हो रेडमिक्स में तो बहुत अच्छा कंपनी है, सही है ना? क्या कहना चाहेंगे, कोई भाई आना चाहेंगे तो? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कितना आदमी है कंपनी में कुछ बता सकते हैं? कम से कम बहुत है, यानी तकरीबन फिर भी 15,000 20,000 आदमी होंगे। अच्छा, क्या क्या काम चलता है उसका रेडीमेड? सब कुछ काम है, A to Z काम है, और यानी कॉन्ट्रैक्शन, गार्डन, लैंडस्केप, क्लीनर व्लीनर सब चीज़ का है रेडीमिक्स का। तो जैसे कि भाई बोल रहे हैं कि एक रेडमिक्स कंपनी बहुत बड़ा है, और रेडमिक्स का मैं भी सुना हूँ बहुत अच्छा कंपनी है। और आज जो भाई काम करने वाले भाई मिल गया अचानक से, मैं भी यहाँ पे जो ना अचानक से आया तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं सोचा आपसे कोई यहाँ का खार्ज के बारे में कुछ बता दूँ, और भाई मिल गया तो अच्छी बात है, कुछ नॉलेज शेयर कर रहा है। तो आप सबको आना है, कोई भी भाई आ रहे हो जैसे कि अभी स्टार्टिंग होने वाला तो सोच समझ कर आओ, ऐसा कंपनी में आओ कि भाई फंसे नहीं, सही है कि नहीं? सही है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो ना बंदा जो ना तड़पते हैं रोते हैं, तो ये फ़ायदा नहीं है आप सब, क्योंकि बार बार बंदा नहीं आते हैं, एक ही बार आते हैं, यानी एक बार आ गए तो दो साल के लिए समझो फंस जाते हो, सही कह रहे हैं कि नहीं? तो सोच समझ कर आओ जो भी काम में आना है। और कैसे लेबर क्लास में बोलिएगा आने के लिए कि क्या काम, कोई काम सीख कर आए, बंदा कोई काम नहीं जानता, क्या आएगा तो सही है, लेबर क्लास में आएगा तो क्या मुश्किल है। तो जैसे कि भाई का कहना है, इम्तियाज भाई का 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी, यानी लेबर क्लास में ना आया तो बेहतर है। और यानी यहाँ पे विदेश में लेबर का कोई वैल्यूएशन नहीं है, आप कोई भी पोजीशन में, जैसे कि भाई वेल्डर में वेल्डर का काम तो आ गया मेरा। चलो ठीक है, ओके भाई का जो है ना यानी मेरा टाइम हो चुका, ओके अल्लाह हाफिज़। तो यानी भाई जो है ना बिजी में था तो चला गया, और बहुत अच्छी बात बताएं हमें, तो आज के लिए बस इतना है। और ये मैं थोड़ी बहुत और खार्ज का लुक दिखा देता हूँ, ये अलबैक हो चुका, ओके। और जिस टाइम हो चुका यहाँ पर नज़दीक में है, और पंडा भी नज़दीक में है, तो हम आप सबको उतना नज़दीक तो हम नहीं जाएँगे, लेकिन हम जूम करके हम थोड़ा बहुत दिखाना चाहेंगे। तो और ये पानी टंकी हो चुका, और ये रास्ता हो चुका, और ये सिग्नल हाईवे हो गया, ओके। और यहाँ पे ब्रिज हो चुका,
तो ये वीडियो कैसा लगा आप तो हमें दोनों कमेंट और लाइक करके सब्सक्राइब करके बताइए ओके। तो जो भी भाई नहीं आए सब्सक्राइब कर लो, ऐसा वीडियो चाहिए तो आप सबको अपडेट मिलता रहेगा। तो और कौन सा कैसा वीडियो आप सब कुछ चाहिए वो सब हमें बताएं, उसी टाइप का हम बनाएंगे ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, वसलम अल्लाह कुछ भी माना था।